हाय गाइस, इस वीडियो में हम लोग एरे ऑपरेटर्स देखेंगे। पीएचपी में आपको कुछ एरे ऑपरेटर्स दिया जाता है। एक्चुअली आपने इन सभी को देखा होगा, लेकिन उस वक्त वेरिएबल के तौर पर देखा होगा। यहाँ आपको एरे के तौर पर देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ ए जो लिखा गया है ये एक वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये एक एरे है। और यहाँ बी जो लिखा गया है ये भी एक वेरिएबल नहीं है, बल्कि यहाँ एक एरे है। तो ये एरे ऑपरेटर है। प्लस क्या है, यहाँ एक एरे ऑपरेटर है, इक्वल इक्वल एरे ऑपरेटर है, और बाकी के जो आपको दिखाई दे रहे हैं सभी एरे ऑपरेटर है। और क्या काम करते हैं, कब इसका इस्तेमाल करना है, आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। मैं कोशिश करूँगा कि इसी एक सिंगल वीडियो में सारे ऑपरेटर्स को दिखा सकूँ, जिससे कि हमें अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े। पहला ऑपरेटर है हमारा प्लस, जो कि कहता है ये क्या है, यूनियन, यूनियन ऑफ ए एंड बी, मतलब ए एरे और बी एरे का यूनियन आपको निकाल कर देगा। इसका क्या मीनिंग होता है ये ज़रा जान लेते हैं। द प्लस ऑपरेटर रिटर्न्स द राइट हैंड एरे अपेंडेड टू द लेफ्ट हैंड एरे फॉर कीज दैट एग्जिस्ट बोथ, सॉरी, एग्जिस्ट इन बोथ एरेज। इसको, इस पूरे सेंटेंस को मत देखिए, सिर्फ इसमें जो बोल्ड किया है मैंने, फॉर कीज दैट एग्जिस्ट इन बोथ एरेज, जो दोनों ही एरे में एग्जिस्ट होता है वह आपको मिलेगा। जो दोनों में होता है, यूनियन, यूनियन आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसे दोनों में होता है, सिर्फ वही नहीं मिलता है, और भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड ये लिखा गया है, बट मैं आपको एग्जाम्पल बता दूंगा। आप लोगों ने यूनियन पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, यूनियन इंटरसेक्शन हम लोग पढ़ते हैं। जो यूनियन का कॉन्सेप्ट आपने मैथ में पढ़ा है, बस वही यूनियन का कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। अगर आपका मैथमेटिक्स यूनियन कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यहाँ आपको ये समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये पूरा सेंटेंस मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, और इसको मैं समझाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ ये थोड़ा सा क्रिटिकल है सेंटेंस, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए चलिए डायरेक्ट चलते हैं एग्जाम्पल में, कोड देखते हैं। कोड मैंने लिखा हुआ है, ये कमेंट है मेरा, मैंने एक एरे बनाया हुआ है जिसमें मैंने लिखा हुआ है, एरे का नाम है ए, और इसमें एरे फंक्शन का यूज़ करके मैंने असाइन किया राहुल की में 500, सोनम की में 600 और सुमित की में 700। एक और एरे है एरे बी, जिसमें मैंने एरे फंक्शन का यूज़ करके इसमें भी की का नाम मैंने राहुल दिया है, लेकिन वैल्यू असाइन किया है मैंने पीएचपी। इसमें की का नाम सोनम है, वैल्यू असाइन किया है मैंने जावा। इसमें की है सेम, जिसका मैंने वैल्यू असाइन किया है सीएसएस। इसमें एक और की है जेके, जिसका मैंने वैल्यू असाइन किया है बुक। कोड सबको दिखाई दे रहा है क्लियरली। उसके बाद मैंने यहाँ यूनियन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। यूनियन ऑपरेटर जो भी ये रिटर्न करेगा, जो भी यूनियन रिटर्न होगा, वह इसमें जाकर स्टोर होगा, और फाइनली उसको हम लोग प्रिंट आउट से देख पाएंगे कि किस तरीके से ये ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या हमें रिटर्न मिलता है। ओके, ध्यान देने वाली क्या बात है कि इस एरे में और इस एरे में सेम की कौन कौन सा है। देखिए, सेम की है राहुल राहुल, सोनम सोनम, सुमित सुमित इसमें नहीं है, सैम है, सैम इसमें नहीं है। उसके बाद एक और है जेके, लेकिन इसमें जेके नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ ये देखिएगा, मैं पहले इसको ए कर देता हूँ, ये बी पहले नहीं रखते, इसको ए और बी करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं कर रहा हूँ ए यूनियन बी। जब आप ए यूनियन बी करते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है, चलिए देखते हैं। इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, आपको आउटपुट मिलेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। तो आपको मिलेगा आउटपुट, देखिए ये ए यूनियन बी। तो ए का जो आपका ए में जो असाइन है, जो कीज, जो वैल्यूज ए में असाइन है, वह आपको मिल रहा है राहुल 500। राहुल तो यहाँ भी है, लेकिन ये आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ये मिलेगा, यानी कि यहाँ जो लिखते हैं उसका वैल्यू आपको मिल रहा है। तो राहुल 500, देन सोनम 600, दोनों का सेम है, यानी कि यहाँ भी राहुल है, यहाँ भी राहुल है, यहाँ भी सोनम है, यहाँ भी सोनम है, जो सेम है उसका एलिमेंट इस वाले का आपको देखने को मिलता है। फिर जो सेम नहीं है उसमें सुमित जैसा है पहले वाले का, वो सुमित आपको यहाँ मिल जाता है, सुमित 700, और सेम उसके बाद नीचे सेम सीएसएस और जेके बुक, जो कि इधर आपको दिखाई देगा कोड में, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो, ठीक है। अभी इसको अगर हम लोग स्वाइप कर रहे थे, यानी कि बी यहाँ कर दें और
ए यहाँ कर दें। तो इस केस में देखिए कि क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं इसको। अभी इस जो इस ऑर्डर को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कॉपी में। रिफ्रेश करते ही आपको दिखाई देगा कि अब ये दोनों सेम है, बट इस वाले का आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि पहले राहुल 500 था, बट अब राहुल PHP दिखाई दे रहा है, यानी कि इधर वाले का आपको दिखाई देता है। यही उसमें लेफ्ट और राइट करके लिखा हुआ था, जो कि कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस में लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ आपको आसानी से समझ में आ रहा है। तो राहुल PHP मिलेगा, सोनम जावा मिलेगा, देन सेम CSS मिलेगा, फिर JK बुक, देन लास्ट में ये सुमित। तो ये इस तरीके से चलता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर से। सो गाइज, यही है यूनियन, और इसी से आपको सेट मिलता है एक, जब आप दो एरे का यूनियन निकालते हैं तब। बस इस यूनियन टॉपिक में इतना ही है। अब हम लोग दूसरा एक ऑपरेटर देखेंगे, जो कि PHP ऑपरेटर का है। सेकंड ऑपरेटर है इक्वलिटी ऑपरेटर, जिसमें आप इक्वल इक्वल साइन लिखते हैं। ये कहता है कि ट्रू इफ पहला एरे एंड दूसरा एरे हैव द सेम की वैल्यू पेयर। सेम की वैल्यू पेयर होगा तो ट्रू आपको रिटर्न मिलेगा। ट्रू यानी कि सॉरी, ट्रू यानी कि वन रिटर्न रिटर्न मिलेगा, ठीक है। जब की वैल्यू पेयर दोनों ही एरे का सेम होगा तब वन मिलेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स मिलेगा। सो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। सो मैंने यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं आपको कोड समझा देता हूँ, अदरवाइज कन्फ्यूज़न हो जाएगा। पहला एरे है हमारा, जिसमें ये मैंने एरे का एलिमेंट लिखा हुआ है, राहुल 500, सोनम 600, सुमित 700। एक और एरे है जिसमें मैंने एरे फंक्शन के थ्रू वही लिखा हुआ है, राहुल 500, सोनम 600, सुमित 700। एक और एरे है, इसका मैंने नाम सेम रखा हुआ है, बट इसको मैंने अभी कमेंट करके रखा हुआ है। इसमें मैंने लिखा हुआ है सोनम 600, यानी कि इसको मैंने यहाँ कर दिया और इसको मैंने यहाँ कर दिया। क्यों किया है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। और सुमित जहाँ का वहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और एरे मैंने बनाया है, जिसमें राहुल PHP यानी कि की तो सेम है बट वैल्यू अलग है। यहाँ पे की सेम है बट वैल्यू अलग है, यहाँ की भी अलग है और वैल्यू भी अलग है। और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो आपको एक और मिल जाएगा, जो कि की भी अलग है और वैल्यू भी अलग है बाकी सभी से। सो यहाँ हम लोग कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो सबसे पहला कंपेरिजन जो है मैं करना चाहता हूँ, स्टेटमेंट में लिखा हुआ मिला था कि अगर की वैल्यू पेयर सेम हो तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगा, तो उसको करते हैं। तो की वैल्यू पेयर कौन कौन से एरे में सेम है, इसमें और इसमें। इसमें आप देखेंगे यहाँ भी राहुल 500 है, यहाँ भी राहुल 500 है, यहाँ भी सोनम 600, यहाँ भी सोनम 600, यहाँ सुमित 700, तो यहाँ भी सुमित 700। तो दोनों एरे का की वैल्यू पेयर सेम है, तो पहले दोनों में कंपेरिजन कर लेते हैं। यहाँ मैंने इफ एल्स लगाया हुआ है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये दिखाई देगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट वाला ये प्रिंट होगा। अगर ट्रू होगा तो आपको दिखाई देगा बोथ एरे की वैल्यू पेयर ट्रू, अदरवाइज अगर फॉल्स होता है तो की वैल्यू पेयर फॉल्स आपको दिखाई देगा। तो चूंकि यहाँ इसका की वैल्यू पेयर और इसका की वैल्यू पेयर दोनों का सेम है, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ये स्क्रीन पर आपको दिखाई देना चाहिए, अगर स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि ये सही तरीके से काम कर रहा है तो। सो इसको सेव कर लेते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। इसको बड़ा कर लेता हूँ, रिफ्रेश करते हैं तो आपको दिखाई देगा बोथ एरे की वैल्यू पेयर ट्रू, यानी कि वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही था और हमारा ये सही तरीके से काम कर रहा है। अब जब आप इक्वल इक्वल लिखते हैं तो ऑर्डर मायने नहीं रखता है। ऑर्डर मायने नहीं रखता है, कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग पहले से कमेंट हटाते हैं और इस वाले को कमेंट कर देते हैं। इस एरे में आप देखेंगे तो इसमें सेम की वैल्यू का पेयर है, यानी कि राहुल 500 यहाँ है तो राहुल 500 यहाँ है, सोनम 600 यहाँ तो सोनम 600 यहाँ है, सुमित 700 यहाँ तो सुमित 700 यहाँ है। लेकिन इनका ऑर्डर चेंज है, यानी कि इसमें राहुल पहले है तो इसमें राहुल सेकंड सेकंड में, इसमें राहुल सोनम सेकंड में है तो इसमें सोनम को मैंने पहले कर दिया, यानी कि की वैल्यू का पेयर तो सेम है बट ऑर्डर अलग अलग है। सो अगर ऐसा होता है कि की वैल्यू का पेयर सेम हो बट ऑर्डर अलग अलग हो, तो क्या हमें आउटपुट मिलेगा, क्या ये ट्रू कहलाएगा या फिर फॉल्स कहलाएगा। तो चलिए इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट स्क्रीन पर मिलता है। आपको मिलेगा ट्रू,
इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल इक्वल साइन में सिर्फ की वैल्यू का पेयर सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डर क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस की पेयर का वैल्यू अगर सेम है तो आपको ट्रू मिलेगा। क्लियर है? चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अभी इस एरे की बात करें तो इसमें की वैल्यू का पेयर सेम नहीं है, यानी कि ये अलग है, ये अलग है, तो जाहिर सी बात है ये आपको फॉल्स देगा। तो चलिए देख लेते हैं कंपेयर करके, यानी कि इसमें और इसमें कंपेरिजन किया जा रहा है। तो सेव किया मैंने और इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको फॉल्स मिलेगा। देखिए फॉल्स मिल रहा है, तो यही है इस ऑपरेटर का वर्क। ये ऑपरेटर क्या करता है, फिर से ध्यान से सुनिए, ये ऑपरेटर इस एरे और इस एरे में कंपेयर करता है की पेयर के वैल्यू को। अगर दोनों ही एरे में की पेयर वैल्यू सेम होता है, चाहे ऑर्डर अलग अलग हो तो चलेगा, अगर सेम होता है तो आपको ट्रू वैल्यू मिलेगा। अगर दोनों ही एरे का की वैल्यू पेयर अलग अलग होता है तो आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगा। इसे हम लोग कहते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर। क्लियर है? अब दूसरा ऑपरेटर देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर, जिसमें थ्री टाइम इक्वल साइन आप लिखते हैं, इक्वल इक्वल इक्वल। ये क्या करता है कि ट्रू देगा इफ़ ए एंड बी हैव द सेम की वैल्यू पेयर इन द सेम ऑर्डर एंड ऑफ द सेम टाइप। आइडेंटिटी ऑपरेटर में की वैल्यू का पेयर दोनों ही एरे में सेम होना चाहिए और सेम ऑर्डर में होना चाहिए और सेम टाइप का होना चाहिए, तभी आपको ट्रू मिलेगा। अदरवाइज बाकी सारी केसेस में आपको फॉल्स रिटर्न रिजल्ट मिलेगा। सो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। कोड लिखा हुआ है पहले से मैंने, वही है अभी जो कुछ देर पहले देखा हम लोगों ने, बस वही लिखा हुआ है। ये एरे है जिसका हम लोगों ने ये लिखा हुआ है एलिमेंट, ये एक एरे है जिसका एलिमेंट हम लोगों ने ये लिखा हुआ है। ये वाला एरे यानी कि ए, ये वाला एरे और ये वाला एरे दोनों का की पेयर वैल्यू सेम है, ऑर्डर भी बिल्कुल सेम है। यहाँ एक और लिखा जो कि फ़िलहाल अभी कमेंट है, इसका की पेयर वैल्यू तो इसके जैसा है बट ऑर्डर सेम नहीं है। यहाँ सोनम मैंने लिखा हुआ है तो इसका सोनम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ राहुल है तो इसके लिए मैंने राहुल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो एरे है इसका की पेयर वैल्यू और इसका की पेयर वैल्यू दोनों का अलग अलग है, कुछ भी सेम नहीं है। तो इसको एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। सबसे पहले इसको और इसको देखेंगे, यानी कि जो सेम ऑर्डर का है, यानी कि सेम ऑर्डर का भी है और सेम की पेयर वैल्यू रखे हुए, तो जाहिर सी बात है स्टेटमेंट के अनुसार हमें इसका जो आउटपुट है वो ट्रू मिलना चाहिए, यानी कि बोथ एरे की पेयर वैल्यू, सॉरी की वैल्यू पेयर ट्रू, ये आउटपुट हमें मिलना चाहिए। तो सेव कर लेते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा बोथ एरे की वैल्यू पेयर ट्रू, ठीक है। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अभी अगर ऑर्डर अगर चेंज हो इसके अनुसार, अगर ऑर्डर अगर नहीं सेम हो तो उस केस में क्या होगा, इसको कमेंट करते हैं और इसको कमेंट से हटाते हैं। बाकी यहाँ भी एक्स है तो ये तो ठीक ही है, एक्स मैंने लिख कर रखा हुआ है। सेव करते हैं, देखिए इसमें कंपेरिजन हो रहा है और इसमें कंपेरिजन हो रहा है, दोनों का की पेयर वैल्यू तो सेम है बट ऑर्डर सेम नहीं है। और इसमें कहा गया है यानी कि आइडेंटिटी ऑपरेटर में कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर सेम नहीं है। चूंकि ऑर्डर सेम नहीं है तो आपको फॉल्स आउटपुट मिलेगा। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद इसको हम लोग रिफ्रेश करें तो आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगा। क्लियर है? दो चीज़ें हो गई क्लियर। अभी इसमें और इसमें कंपेयर करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि इसका की पेयर वैल्यू और इसका की पेयर वैल्यू बिल्कुल अलग है, ना तो ऑर्डर सेम है ना ही की पेयर वैल्यू सेम है, तो जाहिर सी बात इसमें आपको फॉल्स ही मिलने वाला है। तो इसमें बी कर देते हैं, सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको ये फॉल्स देगा, ठीक है। तो ये भी हमारा ऑपरेटर ख़त्म हो गया जो कि आइडेंटिटी ऑपरेटर था, जिसमें ट्रिपल इक्वल साइन आप लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है इन इक्वलिटी। देखिए ये इन इक्वलिटी और ये इन इक्वलिटी दोनों ही सेम है, सेम तरीके से काम करता है, कोई भी डिफरेंस दोनों में नहीं है। ओके ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर ए और बी इक्वल नहीं है, तो उसी तरीके से ये भी ट्रू रिटर्न करेगा अगर ए और बी इक्वल नहीं है तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या और हमें देखने को मिलता है एग्जाम्पल में।
सबसे पहले ये वाला इनइक्वालिटी हम लोग देखेंगे। मैंने एरे बिल्कुल सेम रखा हुआ, वही एरे है। इसमें आपको दिखाई देगा कि हम लोगों ने ये रखा हुआ है। उसी तरीके से एक्स एक एरे है जिसमें इसका की पेयर वैल्यू, सॉरी की वैल्यू का पेयर, इसका की वैल्यू का पेयर बिल्कुल सेम रखा है मैंने। देन इसका मैंने ऑर्डर चेंज किया है, और ये दोनों ही डिफरेंट है, डिफरेंट की वैल्यू का है। ना तो ऑर्डर मैच करता है, ना की वैल्यू का पेयर मैच करता है। तो सबसे पहले इसमें और इसमें देखते हैं, या फिर सबसे पहले इसमें और इसमें देख लेते हैं, बिकॉज़ ये ट्रू रिटर्न करके हमें देगा। बिकॉज़ ये और ये अगर मैच नहीं करता है, यानी कि ए और बी मैच ना करे, ए और बी सेम ना हो, इक्वल ना हो, तो आपको ट्रू मिलेगा, ये स्टेटमेंट कहता है। तो इक्वल नहीं है तो आपको जाहिर सी बात है ट्रू मिलेगा। तो सेव करते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, तो आपको ट्रू मिल रहा है। ठीक है, अब एग्जामिन करते हैं फॉल्स वाले को। सबसे पहले एक्स लिखते हैं, और इस वक्त इसका की पेयर वैल्यू और इसका की पेयर वैल्यू सेम है, और साथ में इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर भी सेम है। तो इस केस में हमें फॉल्स मिलता है या नहीं, चलिए देखते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, आपको आउटपुट मिल रहा है फॉल्स। ठीक है, अब हम लोग एग्जामिन करेंगे कि अगर की पेयर वैल्यू सेम हो बट ऑर्डर डिफरेंट हो, यानी कि ऑर्डर में ऑर्डर अलग अलग हो, जैसे कि इसका की पेयर वैल्यू और इसका की पेयर वैल्यू सेम है बट ऑर्डर अलग अलग है। राहुल इसमें यहाँ लिखा गया है बट राहुल इसमें यहाँ लिखा गया है, तो देखते हैं कि क्या ऑर्डर मायने रखता है या नहीं रखता है। तो रिफ्रेश करते हैं, सेव किया मैंने, सॉरी रिफ्रेश किया मैंने, तो आपको फॉल्स मिल रहा है, यानी कि इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता है। ऑर्डर अलग होने से ये और ये अलग नहीं माना जाएगा, ये और ये सेम ही माना जाएगा, क्योंकि ये और ये इक्वल है, इसीलिए आपको फॉल्स रिटर्न मिल रहा है। सो पूरा कोड आप देखना चाहें तो आप स्क्रॉल, मैंने पहले भी किया हुआ है तो मैं बार बार करके नहीं दिखाता हूँ, लेकिन आप यहाँ देखेंगे मैंने कमेंट वगैरह में भी लिख दिया। ये पूरा कोड आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें से आपको ये कोड मिल जाएगा मेरी साइट से, तो वहाँ से आप जाकर इस कोड को कॉपी कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो कोड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये हमारा था ये वाला ऑपरेटर, ये इनइक्वालिटी। एक और इनइक्वालिटी हमारे पास है, हम लोगों ने देखा, तो उसको भी एग्जामिन कर लेते हैं। वापस से थ्योरी में नहीं जाते बिकॉज दोनों ही सेम होता है, ऐसा मैंने आपको कहा था। सो कोड को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने, यहाँ सिर्फ ये वाला इनइक्वालिटी लिखा है और यहाँ भी मैंने ये वाला इनइक्वालिटी लिखा है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। तो चलिए इसको एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले एग्जामिन करेंगे इस वाले को और इस वाले को। ठीक है, यहाँ बी कर देता हूँ मैं। इसका और इसका ना तो की पेयर वैल्यू सेम है और ना ही ऑर्डर सेम है। तो इस केस में जब ये और ये इक्वल ना हो तो आपको ट्रू आउटपुट मिलेगा। तो इसको सेव किया मैंने और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो आपको ट्रू मिलेगा। ठीक है, जब ये एरे और ये एरे सेम ना हो तो आपको ट्रू आउटपुट मिलेगा। अब इसका और इसका टेस्ट करते हैं, यानी कि ए और एक्स का। ए और एक्स आप देखेंगे कि इसका की पेयर वैल्यू सेम है और इसका भी की पेयर वैल्यू सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है। तो इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। चूंकि ए और बी दोनों सेम है तो आपको फॉल्स आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब इसके ऑर्डर वाले को टेस्ट कर लेते हैं, यानी कि की पेयर वैल्यू तो सेम है बट ऑर्डर डिफरेंट है। यहाँ आप देखेंगे राहुल यहाँ है तो इसमें राहुल यहाँ है। की पेयर वैल्यू सेम है इसका और इसका दोनों का बट ऑर्डर अलग अलग हो, तो क्या हमें स्क्रीन पर देखने को मिलता है? इसमें भी आपको फॉल्स आउटपुट ही मिलेगा, यानी कि ऑर्डर इसमें भी मायने नहीं रखता, यानी कि इनइक्वालिटी इससे जो पहले हम लोगों ने देखा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, उसमें और इसमें दोनों में कोई फर्क नहीं है। पूरा कोड अगर आपको दिखाऊं तो स्क्रॉल इस तरीके से करके आप यहाँ देख सकते हैं, कमेंट में भी लिखा हुआ है, ऑर्डर डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये पूरा है आपका इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। एक लास्ट हमारा बचा हुआ है नन आइडेंटिटी, इसको देख लेते हैं। ये इसमें आप लिखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल इक्वल साइन। तो ए और बी ये ट्रू रिटर्न करेगा तब जब ए इज़ नॉट आइडेंटिकल टू बी। अब आइडेंटिकल का मीनिंग यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे ये होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल में कि आइडेंटिकल मतलब
ऑर्डर मायने रखता है या नहीं रखता है, या फिर क्या क्या केसेस होती हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। सो साइन आपको पता चल गया, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखना है, देन डबल इक्वल साइन आपको लिखना है इस नॉन आइडेंटिटी के लिए। सो पहला एरे है जिसमें हम लोगों ने ये लिखा हुआ एलिमेंट्स, दूसरा एरे एक्स है जिसमें कि इसका एलिमेंट यानी कि इस एरे का एलिमेंट और इस एरे का एलिमेंट बिल्कुल सेम है, की पेयर वैल्यू भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। तो सबसे पहले इसको एग्जामिन कर लेते हैं कि क्या होता है। सो सेव किया मैंने, या मैं एग्जामिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सेव करते हैं और इसमें आपको आउटपुट स्क्रीन पर क्या देखने को मिलता है। इसमें आपको आउटपुट स्क्रीन पर फॉल्स मिलेगा, क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, इसीलिए स्क्रीन पर आपको फॉल्स मिलेगा। ओके, अब देखते हैं कि ऑर्डर मायने रखता है या नहीं रखता है। तो ऑर्डर वाले के लिए हम लोग इसको कमेंट करते हैं और इसको कमेंट से मैंने हटा दिया है। अभी आप देखेंगे कि इसका एलिमेंट मतलब की पेयर का, की वैल्यू का पेयर और इसका की वैल्यू का पेयर सेम है, बट ऑर्डर अलग अलग है। तो क्या इसमें ऑर्डर मायने रखता है? तो इसको सेव करते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। जी हाँ, इसमें ऑर्डर मायने रखता है। अगर आप ऑर्डर अलग लिखते हैं तो आपको ट्रू मिलेगा, की पेयर का वैल्यू तो आपका दोनों का सेम है, बट की वैल्यू का पेयर तो दोनों का सेम है बट ऑर्डर अलग अलग है, तो इस केस में आपको ट्रू मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं इसको और इसको एग्जामिन करके कि इसमें की पेयर वैल्यू और इसका की पेयर वैल्यू तो अलग है ही, साथ में ऑर्डर भी बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, उस केस में क्या होता है? तो यहाँ बी करते हैं, सेव करते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ भी आपको आउटपुट ट्रू ही मिलेगा, यानी कि इस केस में ऑर्डर मायने रखता है, सेम ऑर्डर का होगा तभी आपको फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज यहाँ लिखा हुआ ऑर्डर मैटर्स। ओके, सो ये पूरा है आपका एरे ऑपरेटर। इसका इस्तेमाल आप दो एरे के बीच कंपैरिजन करने के लिए कि दोनों ही एरे में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें करने के लिए एरे ऑपरेटर का आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो यूनियन हो या फिर बाकी जो ऑपरेटर हैं, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी या फिर नॉन आइडेंटिटी, इन सभी का इस्तेमाल सिर्फ आप कंपेयर करने के लिए, डिफरेंस जानने के लिए आप कर सकते हैं। ओके देन, बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।